सोहेल भाई को जानते हैं, इकबाल भाई। इकबाल भाई ये हमारे शौकीनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छे शौकीन है, पुराने शाह पुराने शौकीन है माशाल्लाह। शाह फैसल भाई, खालिद भाई, आसिम भाई, अयुब भाई और हमारे नसीम भाई हैदराबाद से। ये हमारे अब्दुल्ला भाई, छोटे पूरी टीम आई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज स्पेशल हमारे खालिद भाई का एक सेपरेट लुक मेरे को ले रहा है। क्या और आसिम भाई जो वीडियो में, आसिम भाई हमारे मुंबई से सोलापुर को जितने मेहमान आए उनकी कोई कोशिश करना चाह रहा हूँ, कर दो कर दो। और आसिम भाई की भी करो। आओ इंशाल्लाह अभी हम लोग गुलपोशी करने का बोल रहे थे खालिद भाई, तो प्लीज स्टार्ट कीजिए प्रोग्राम। पूरे हैदराबाद के मेहमान आ चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे शाह फजल भाई, बॉम्बे से शाह फजल भाई आए हैं खास करके हमारे खास दोस्त उस्मान की शादी में। शाह फजल ये बहुत ट्रेडिशनल जो एक चीज होती है, हर बार जहाँ भी आते हैं ऐसे ही लोगों को मतलब मोटिवेट करते हैं। और यमनी स्टाइल में तो किसी को खरीदना है तो भी इनसे बात कर सकते हैं। सही है, कलर आप बोलो, कलर चॉइस है ना। क्या बात है, हेलो भाई, कारो बात हो ये रहते ना दुकान पे तुम्हारे। गाजी इधर आओ, रील बनाओ, साथ में आओ, साथ में ठहरो एक मिनट। बुला है ना भाई, बुला है ना। चलो कैसा लग रहा है आपको हजरत? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और आजिम भाई के सेटअप पे आए हम लोग अभी यहाँ पे जी। और हैदराबाद से हमारे खालिद भाई और खालिद भाई के साथ में बहुत सारे साथी आए, उनकी तरफ से गुलपोशी हो रही है। जोगी पेट से भी भाई आए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये भी हर प्रोग्राम में आते हैं वसीम भाई। जी जी, कोई प्रोग्राम हुसैन भाई के बगैर वहाँ का टूर अनकम्प्लीट रहता, बराबर ना? ये सब लोग अगर हुसैन भाई नहीं रहेंगे तो हुसैन भाई दावत है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूसुफ भाई के बच्चे की वलीमा है तो रिसेप्शन कल आ रहा हूँ। आज की रवानगी हम, आज हमारी भी, मैं कल सुबह निकलूंगा इंशाल्लाह, रात में है ना रिसेप्शन। तो आप जोगी पेट पे रुक के आगे जाइए। हाँ बिल्कुल, अरे हुसैन भाई को रुकेंगे और साथ में लेकर जाएंगे भाई, हमारे साथ हुसैन भाई चाहिए। नहीं नहीं, ऑलरेडी बोल दिया अजीम भाई को, तो अजीम भाई का रास्ता है हमारे खुला है खुला है अभी भी। क्या बात है माशाल्लाह, एकदम फलस्तीन के दिख रहे हैं आप लोग। हुसैन भाई, हुसैन भाई, हुसैन भाई, अजीम भाई को फोन दियो। मुसलमान तेरी दो जहां में सरफराजी है, मर गया तो शहीद, जिंदा है तो गाजी है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और अजीम भाई के ब्रीडर का नाम भी गाजी है, और यहाँ पे एक बंदा भी गाजी है। मुलाकात करेंगे। बताओ आपका शौक कैसे आगे बढ़ा था? पहले आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं फसलान सर से शौक करा था, सईद भाई के पास लिया, उसके बाद फिर अयुब भाई कैसे एक लिया था। तो अयुब भाई को आप बहुत मानते हैं, मतलब पुराने पुराने दोस्त है हमारे, बहुत अच्छे इंसान है और उस्ताद भी आपके माशाल्लाह। उस्ताद भी है, पहले उस्ताद होना चाहिए हमारे पास, अभी तक डिक्लेयर नहीं करा था, अभी डिक्लेयर हो रहा। आप हमारे पास से कुछ ले रहे हैं? आजिम भाई के पास भी लिया, 3 जनवरी लिया था मैं, अजूबा 2 उनके पास से लिया। क्या बात है माशाल्लाह, वाले फरीद भाई की अजूबा 2 की उनके पास से आई मेरे पास। सिलेज भी मंगाए थे आपने? हाँ हाँ, साइलेज साइलेज भी जो चारा दिए थे आजिम भाई उनके पास से लिया, आजिम भाई के पास। तो अजीम भाई ये अपने मास्टर
ये सरफराज भाई मास्टर है, पुराने शौकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह की फजल से बोलते हैं कारोबार तमाम चीजें देखकर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल शौक कर रहे हैं और अच्छी चीज संभाल रहे हैं। सही है, अल्लाह का फजल। देखो आसिम भाई, शौक करना ये तो कर रहे हैं लोग, लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए घर कारोबार देखकर फिर शौक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आसिम भाई। हकीकत बोले आप, बिल्कुल बिल्कुल। ये वक्त देना और जानवरों को शौक करना, ये मुझे लगता है ये जो शौक करना है तो ओरिजिनल ये शौक करो जानवरों का। ये हमारे नौशाद भाई, ये नौशाद भाई भी हमारे खास दोस्त है, शोलापुर के शौकीन है, हैदराबादी के शौकीन है, और सभी भाई हमारे हैदराबादी, पहले ऑल बीड में करते थे मेरी तरह, अभी प्योर हैदराबादी में कर रहे हैं आसिम भाई। ये साल कुर्बानी का सीजन कैसा गया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया आसिम भाई, सीजन बहुत फास्ट माल बिका, अल्लाह की फजल से आप भाइयों की दुआ है। और इस साल खाली क्या हुआ कि थोड़ा सा लाने में मैं लेट किया, थोड़े इलेक्शंस के रिजल्ट्स वगैरह का वेट कर कर 5 तारीख के बाद मेरा माल उतरा, नहीं तो हर साल 22-23 दिन तक मेरा काम चलता है आसिम भाई। इस बार आपने कम काम किया? कम काम किया लेकिन अच्छा काम, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और शोलापुर में आसिम भाई सभी भाइयों का काम अच्छा हुआ आसिम भाई जी। अरे आप बोल रहे हमारे डॉक्टर साहब मिस है, थोड़ा लेट हो रहे डॉक्टर साहब, अभी वलीमे में भी जाना है। भाई सभी जो देख रहे हैं सभी को हैदराबाद टीम की तरफ से सलाम, खुसूसन हमारे उस्मान साहब जो नौशा है उनके बुलावे पे आए, काफी टाइम 2-3 महीने से बोल रहे थे कि रहने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई भी इजाजत दिए थे, माशाल्लाह पूरे मिलके हम लोग आए हुए हैं। आज वलीमा सेरेमनी है तो उससे पहले भाई कने आए हुए हैं फॉर्म पे, अजीम भाई के फॉर्म पे आए हुए हैं, और जैसा हमेशा हमारे खालिद भाई वेलकम करते सभी को उसी तरह आज फुलपोशियों के साथ शिमले के बुलाए गए, तो बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी हो रही है, यहाँ पर खुशी हो रही है आकर भाई। निजाम भाई आए फर्स्ट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है निजाम भाई, और निजाम भाई सेटअप देखेंगे ये बात की भी खुशी है। चलिए इंशाल्लाह, और तमाम हैदराबाद के भाइयों से देखकर हमें ये शौक में इंस्पायर हुए, तो हम तोतापुरी सोजत पतिरा पालते थे शाह फैसल भाई, अल्लाह की वजह से हमारे भाइयों को देखकर हमें इंस्पायर। आज शोलापुर और गुलबर्गा में जो शौक बढ़ा है माशाल्लाह, अल्लाह का फजल है, वो आप लोग की वजह से ही बढ़ा है। ये चीज तो मैं भी समझता हूँ सिम भाई, ये सोशल नेटवर्किंग बहुत मायने रखती है, जिसमें आपका एक चैनल है और मजीद चैनल आए, जो आपका चैनल हम भी फॉलो करते हुए बनाए और आपसे इंस्पायर होके बनाए, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन रहता जो बनाता है आजादी दिलाए सो जैसा गांधी जी है वैसा हमारे आसिम भाई है, जो यूट्यूब के लैंड में लोगों को बताए। एक बात मैं बताता हूँ, ये शौक को जो रास्ता देना है, शौक को फैलाना, शौक को बढ़ाना, अल्लाह ताला ने अगर किसी को जरिया बनाया आसिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह, हमको शोलापुर से बाहर निकाले, स्टेटों से भी मोहब्बत कराए एक दूसरे से, जैसा आज मौजूद है, तो एक गुजरात और हैदराबाद का मिलन होना, नहीं महाराष्ट्र हैदराबाद गुजरात कर्नाटक बेंगलुरु बॉम्बे सब सब चीजों का शोलापुर कॉम्बिनेशन तोतापुरी हंसा हर चीज में शौक किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान हैदराबादी में हो गया। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, देखिए अभी तो कारोबार अपनी जगह पे, दिला भी मिलाने वाली चीज है, जैसा उस्मान की शादी है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग आए हुए कारोबारी है और सब बिजी है, लेकिन वक्त निकाल गया, ये मोहब्बत झलकती है। आसिम भाई क्या बोल रहे थे आप? तो ये तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा, भाई लोग अपनी इतनी जैसे टाइम निकाल के आते हैं, बहुत बड़ी बात है, आज के टाइम में टाइम किसके पास है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम लोग जाएंगे अजीम भाई का सेटअप देखेंगे, बल बल बल। और बकरे तो अजीम भाई के पास में काफी नाम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नायाब है, वो सारी चीजें आपको एक एक करके इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे। आइए दोस्तों, हम लोग सेटअप पे आ चुके हैं अजीम भाई के साथ, और पूरी टीम आई हुई है माशाल्लाह। अजीम भाई क्या क्या दिखाएंगे इंशाल्लाह, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हाँ बस कुछ नहीं, आज का वीडियो बस आसिम भाई मुख्तसर से जानवर, अभी सेल के लिए कुछ अवेलेबल मतलब नहीं है ज्यादा जानवर जी, तो मेल्स अपने पास अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी के, जो मेल दिखाएंगे अपन इंशाल्लाह। सही है, तो और दो तीन फीमेल जो बख्तावर से लोड है अल्हम्दुलिल्लाह, बख्तावर के बारे में तो आप बताओ, क्योंकि हम लोग काफी बातें सुन रहे हैं उसके बारे में, 8 या 10 रिजल्ट आए हैं और सारे के सारे टॉप क्वालिटी में आए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह
आसिम भाई बख्तावर का ये मैं अपने वाजिद भाई से लिया हैदराबाद, और हमारे यूसुफ भाई पत्ते वाला बोरा बंडा हाँ वाजिद भाई बोरा बंडा वाजिद भाई से लिया मैं, जो अभी हज के लिए गए हुए हैं। अच्छा वाजिद भाई हज के लिए गए? हाँ हज पर गए अभी, हाँ हज पर गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। तो अल्लाह की वजह से उनके पास से ये मेल लिया और मुझे यूसुफ भाई पत्ते वाले दिलाए ये मेल। सही है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब लिया आदन था कुछ 12 महीने का था, फिर ले गए। लाइन के बारे में बता। इसकी लाइन जो ये सिडनी का बेटा ब्लास्ट है वो हमारे नोडल चांद भाई बेंगलोर वाले जी, उनके यहाँ पर माँ भी इसकी लाइन की है, उनके यहाँ पर ये पैदा हुआ था, फिर वहां से हैदराबाद आया और डायरेक्ट ब्लास्ट का बेटा ये डायरेक्ट ब्लास्ट का बेटा है। चलेगा। तो ये तो फॉर सेल नहीं है? नहीं, इसके अगर किसी को बच्चे अच्छे आगे के लिए तो बच्चे या लोड बकरियां देंगे इंशाल्लाह। और तकरीबन 8 बकरियां भरी थी यहाँ पर, मेरे 3 बकरियां भरी थी, बच्चे तो बिक गए अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बच्चा हमारे मास्टर को दिया हूँ वो भी मैं शो करूंगा। सही है। और बाकी के जो रिजल्ट पड़े हमारे दोस्तों के यहाँ पर पड़े, सुपर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट पड़े अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे सुपर पंच में जो पंच इसका है इससे ज्यादा पंच में पूरे। पहले बख्तावरी दिखा के स्टार्ट करते हैं, बख्तावरी दिखाएंगे। आइए तो दोस्तों आपके सामने अभी नायाब बख्तावर आएगा। दिल ताम के बैठे हैं आप लोग, माशाल्लाह काफी अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है। और एक एक क्वालिटी आपको इसके बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। मास्टर थोड़ा इसका ही बहुत गर्म है। हाँ। चल जाएगा, खुलने देता नहीं। कैसा लगा सेटअप आपको? अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हारे से कम क्वालिटी उधर, तो उधर धड़क मार। हां और ये भी अलग क्वालिटी भाई, ऐसी क्वालिटी मिलेगी भी नहीं? मिलेगी, छोड़ दो उसको। जोगी पेट पे अटैक हो गया बख्तावर का, हुसैन भाई जोगी पेट पे अटैक होते हुए, वाह क्या बात है, बेमतिया खूबसूरत माशाल्लाह। दोनों भी जोगी पेट से प्यार करते हैं। आयु भाई आइए, निजाम भाई। हाँ हाँ, नायाब क्वालिटी माशाल्लाह, फुल पंच, तिरछी आंखें। आइए खालिद भाई। माशाल्लाह आसिम भाई, इसके पंच का जो है ना जितना नाम सुने थे, कान की क्वालिटी भी देखिए। वाह क्या बात है, क्या पंच है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक नंबर कान की क्वालिटी, गुलाबी कान माशाल्लाह। 4 बच्चे गुलाबी निकले इसके अल्हम्दुलिल्लाह। अपने डॉक्टर एजाज भाई के पास एक बच्चा है इंशाल्लाह, वक्त रहा तो देखेंगे पुनः। एक बकरी को 3-2 फीमेल एक मेल हुए। और अयूब भाई आप इंशाल्लाह देखे बाद समझ में आएगा रिजल्ट क्या है। सही है। और अगर वीडियो मांगता है तो मैं वीडियो अभी दिखा सकता हूँ। वीडियो भी दिखा दो, और अब लोग वलीमे के बाद जाके देख भी लेंगे शाम में। हमारे डॉक्टर साहब का सेटअप, डॉक्टर साहब आने वाले, देखो आप। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, तोतापरी भी शर्माना, क्या बात है। अय्यूब भाई का पेटेंट डायलॉग है ये। बच्चे देखो ये देखो इसके, ये देखो आप रिजल्ट है बख्तावर का। 3 बच्चे डालिए, 2 फीमेल 1 मेल, डॉक्टर एजाज भाई के यहाँ पर। डॉक्टर एजाज भाई ये पांच से के तोता परी की फैसल भाई शर्मा, बच्चे का पंच देखिए, ये मेल है, ये गुलाबी बहुत सुंदर है। ये चीज जो है अब लाइव भी जाके देखेंगे तो और मजा आएगा। ऐसा शौक देख रहे हैं अपने को भी, क्या है शौक। अरे ये देखा देखा, बात ये है ना कि लाइन जी कुछ नहीं होता भाई, कान क्वालिटी आप आगे बढ़ते हुए मिली। शेर खान को लॉन्च किए थे आसिम भाई आपके चैनल पर जी, अल्हम्दुलिल्लाह शेर खान हमारे मलिक भाई के पास दे दिया अल्लाह के फजल से। तो उसके बाद बहुत लोग बोले यार तुम्हारे शेर की मतलब नाक थी, जान थी, आप क्यों दिए? बोला अता करने वाले साथ अल्लाह के, इंशाल्लाह उससे बेहतर अपने पास आएंगे, ये उम्मीद थी, अल्लाह ने उससे बेहतर चीज दी। छोटा था और मैं पूछा भी था निकालने का है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आओ तो आओ तो। वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब आए हमारे, डॉक्टर साहब और हम, ये डॉक्टर साहब आ चुके ना थोड़ा। ये डॉक्टर साहब सलाम, कैसे आप? माशाल्लाह बख्तावर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, आपके पास भी रिजल्ट आया है माशाल्लाह।
दो बकरी और एक बकरा है माशाल्लाह। तो कैसी है बताइए इसका रिजल्ट? एक नंबर रिजल्ट आया, क्या बात है। क्या इसके बारे में बोलने वाले तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ क्या बोले देखो हुसैन भाई, अय्यूब भाई और डायलॉग इनका भाई, इज्जत भाई क्या बोले पूछो माशाल्लाह। इसके बारे में क्या बोले आपने सूरज को? चिराग दिखाने के बराबर है, इसके बारे में क्या बोले? चलेगा तो दो बच्चे कुछ सेल के है वो दिखा देते हैं अभी। इसका एक बच्चा ऑलरेडी हमारे मास्टर भाई को दिया इनको दिया हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे जी। बाकी तो बच्चे बिक गए अल्हम्दुलिल्लाह इसके, मतलब अपने पास अल्लाह की वजह से बहुत सी चीजें। आसिम भाई जो नए शौकीन बोल रहे हैं, आसिम भाई तुम्हारे पास तो पूरा ये है समंदर, हमको दे दो तो मैं दे दिया पूरे बच्चे इसके। और मैंने एक बच्चे का भी वीडियो बनाया, उन लोग ने बोले कि भाई आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत बड़ी बात है। मतलब इब्राहिम आपका भी नाम लिए और बाकी लोगों का, किसका खान साहब का भी बोले, सब लोग बहुत मदद करते हैं एक दूसरे की, बहुत अच्छी बात है। कोऑपरेट करते हैं क्योंकि देखो कोऑपरेट करेंगे तभी शौक बढ़ेगा। सही है, अभी इसका एक बच्चा है वो दिखा देता है। अभी इसको अंदर नहीं जाता, ऐसा नहीं जाता हूँ। तो दोस्तों ये मास्टर साहब ने लिए हैं माशाल्लाह, बख्तावर का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरा देखो आप, कितने महीने का है भाई ये? दो महीने कंप्लीट नहीं है अभी इसके, अभी तक दो महीना कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं हुआ, वाह। इसके कान देखो 12.5 के ऊपर है, 13 के करीब करीब है, और 5.25 के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है, गुलाबी बच्चा 5.5 के करीब चकलान है। तो ये अभी आप इसको रखेंगे, ये आगे सेलिंग को नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सेल के लिए माशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे रिजल्ट पड़ेंगे उसके, अल्लाह ने चाहा तो फिर उससे लोडेड बकरियां मिल जाएंगी। मिल जाएंगे मिल जाएंगे, चलेगा। डाल दो भाई इसको अंदर, ठीक है। अभी सेलिंग के खुद बकरे वो दिखा देते हैं। सो माशाल्लाह ये बकरी है अजीम भाई, पार्ट है, फर्स्ट टाइम लोड हुई है जी। एक महीना कुछ चिल्लर दिन लोड है, और कान की क्वालिटी बख्तावर से लोड है? नहीं नहीं नहीं, ये यूमना से लोड है, यूम से लोडेड है माशाल्लाह। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, भले वो गाजी का नाम तो बहुत ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। यूम है, बख्तावर है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, बख्तावर आप कमी। हाँ बहुत एक से एक रिजल्ट आ रहे हैं। क्या कान होंगे इसके? 17-7 बिल्कुल 17-7 नापे ने, लेकिन उससे आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। अय्यूब भाई बोल दे तो उतने कम से कम आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देने में है अपने? हाँ देना है, कोई शौकीन है, फर्स्ट टाइम लोड बकरी है, कान की क्वालिटी गुलाबी सब चीजें इसमें है। सही है, और पहली बात कैसा है कि यूम से लोडेड भी है दोस्तों, फ्रेश दो दांत फ्रेश है अभी, एक सिंग मार्बल है, पूरी गुलाबी बकरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो फर्स्ट टाइमर ही है अभी, तो आगे और लेंथ लंगर लेगी, चलेगा भाई। तो ये बेचना नहीं, एक शो क्वालिटी है माशाल्लाह, क्वालिटी देखे आप। बेटा साइड में हो जाओ अब्दुल्ला। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मन्ना और सलवा सगी बहने हैं। अच्छा ये किसका रिजल्ट है? ये हमारे रफीक भाई ओला वाले, सॉरी 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 यासीन भाई मालेगांव, मालेगांव वाले, हाँ सॉरी। हाँ उनके पास सगे बहना मन्ना सलवा, मन्ना सलवा, और दोनों भी बख्तावर से लोड़ा है। क्या नाम रखे माशाल्लाह। वो एक उस टाइम के मूसा अलैहि सलाम के दौर का ये खाना है, जन्नत से होता है, जन्नत से होता है। मन्ना और सलवा, हाँ बस बस, क्या बात। ये मेल है नहीं? दोनों फीमेल है, दोनों फीमेल है, और दोनों लोड़े बख्तावर से। हाँ ये 3 दिन पहले लोड हुई दोनों, एक ही दिन नहीं, दांत अभी आदत है, 12 महीने की है, बारीक दांत है। हाँ 12 महीने रनिंग है, 12वां महीना 11 महीने कंप्लीट है। और एक के कान आप 18 को कुछ कम है, और 6.5 के ऊपर चकलान है, और एक के जो है 17 कुछ कम है, 6.5 + 7.5 चकलान है। मार्बल सिंह में, हाँ गुलाब सिंह, फुल क्वालिटी माशाल्लाह। वो ये मास्टर इजाज़ भाई, वो दो बच्चे निकाल दो, ये देने का नहीं है, सिर्फ शो क्वालिटी। पूरी टोन में है, हमारे अय्यूब भाई बोलेंगे तोतापुरी भी फेल है, बहुत पंच कितना, बहुत क्या चेहरा पाया है। नहीं ये अजूबा का पुत्र है डायरेक्ट, क्या जबरदस्त चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीनों अजूबा के हैं, अजूबा के डायरेक्ट पोतरे तीनों, डायरेक्ट डायरेक्ट इनके, इसका बाप भी डायरेक्ट अजूबा का बेटा, इसका बाप भी डायरेक्ट अजूबा का बेटा, इसका बाप डायरेक्ट अजूबा का बेटा, तीनों की अम्मा अलग।
इसकी अजूबा की पोत्री जहर का बेटा ये। अच्छा। वाह। हाँ, ये भी इसकी अम्मा भी अजूबा लाइन से। नासी कान देखो, लाइन पे लाइन मिलके देखो क्या बच्चे आए। ये देखो तकरीबन 12 महीना रनिंग है आसिम भाई, 20 प्लस कान है और 8 चिल्लर चकलान है। बहुत अच्छे है आसिम भाई। ये एक हैदराबादी ब्रीड है जिसमें देखो अलग अलग वैरायटी आ गई। बाकी मैं तो जैसे अरब देशों में भी गया हूँ, कान तो है लेकिन वो सब एक जैसे ही है। हाँ। मतलब चेहरा भी एक है, कलर भी एक है। ये देखो अल्लाह की मर्जी और आप लोग की मेहनत, ये देखिए आप तीनों अलग अलग वैरायटी के बच्चे सामने। ये प्यारी है भाई। हाँ। हर जानवर में अलग अलग क्वालिटी देखो। अब इसकी कान की क्वालिटी देखो बराबर, अब इसकी पंच की क्वालिटी देखो क्या बात, इसका इसकी मार्बल कलर की क्वालिटी, तीनों अलग है और तीनों को चेहरा है। हाँ, तीनों भी पेरेंट एक ही है, मतलब दादा एक ही है, दादा एक ही है, क्वालिटी अलग अलग। और बीच में इन दोनों के दरमियान में फासला इसका अजीम की मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बराबर। ये कान की क्वालिटी है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। बच्चा कैसा भी पैदा हो और कोई भी कलर को आप झुठला नहीं सकते, नासी हो, अबलग हो, गुलाबी हो। ये बात है, ये मैं इनका देखा हूँ लास्ट टाइम भी। बंदा है शौक कर रहा बोले तो दे देते हो। सही ऐसे की कोई रूल नहीं, क्या बात, ये होती है मेन बात। सब अच्छे ब्रीडिंग के लिए बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देना है तीनों में से। तीनों में अगर कोई अच्छे शौकीन है, अच्छे शौक करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह देंगे। और तीनों बच्चे माशाल्लाह, इसके भी देखो तकरीबन 18 कान है, बेबी 12 महीने का है और चकलान 7.5 है। और इसका माँ और बाप, तीनों माँ और बाप की तरफ से ब्रीड लाइन है। सही है, इसके अगर कोई सबूत मांगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सबूत के साथ। क्वालिटी है कि लाइन नहीं है, वैसा नहीं है, लाइन पे ही काम होता है। बिल्कुल, और लाइन है तो ही क्वालिटी है, लाइन है तो ही क्वालिटी है। सही, आँख की, इसके आँख वगैरह मतलब बहुत लोग मांगे थे हैदराबाद में। थोड़ा सा इसके वजह से मतलब छोटा था, थोड़ा बीमार भी था ये पिछले, जब नया मेरे पास आया तब मैं दे देंगे इंशाल्लाह। अब दे देंगे, तीनों फिट और फाइन एकदम कंडीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह, चलेगा भाई। तो लाइन की चीज है, आजकल में बच्चे डालेंगे इंशाल्लाह। ये आजकल में बच्चे देने वाली है। कौन सी जो कितनी गुलाबी बकरी माशाल्लाह। ये नरगिस है हमारी, बख्तावर से 4-4 महीना रनिंग है। क्या बात, नरगिस लगे आपने, ये पुरानी बकरी है। कान की क्वालिटी, गुलाबीपन अब अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं, शो क्वालिटी है भाई। ये बेचना नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ शो क्वालिटी है। नरगिस हाँ इंशाल्लाह बच्चे बेचेंगे इसके, अभी वो आजकल में डालेंगे बच्चे। सही, और अल्हम्दुलिल्लाह 18-8 कान है इसके, 18 प्लस ही है, 19 आ जाएंगे आराम से। लेन देख लो, गुलाबीपन देख लो बकरी का माशाल्लाह। ये हमारे रफीक भाई, यवला वाले रफीक भाई है, उनके थ्रू ये लिया ये, और ये वाइट बकरी उनके पास है, अपन गए थे ना। चलेगा, एक बार गाजी का रिजल्ट देख लो आप लोग, एक जो फॉर सेल है। और हमारे दोस्त के पास भी एक पार्ट पड़ी है गाजी की, ये नहीं बिक चुका आपने, वाजिद भाई ले जिसके पास से बक्ता और ले उनको दिया है बच्चा, चाहे बिक गया है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 17 के ऊपर कान है माशाल्लाह, और 5वां महीना रनिंग है, 5 months। और एक बच्ची 4 महीने की इनके पास है, 6.5 और 17 कान है, देखो गाजी का रिजल्ट। सही, चले नहीं बताए दे, 2-3 बार 4 बार शो हुआ, अगर कार्डो बोले तो निकालता हूँ इंशाल्लाह। गिनती हो गई है माशाल्लाह, एकदम एलिफेंट ईयर्स। कान की साइज देखो, जरा बारिश में गर्म हो गए बकरे, उससे थोड़ा वजन थोड़ा है। कान देखो आप, कान में मोटापन भी बहुत है माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बोलो सर भाई, बहुत मोटेपन गुलाबी में बच्चा, अच्छे कान में रिंकल भी नहीं आज में, एकदम खुला कान। हाँ, वो कान पर मेरा पड़े, वही बोल रहा हूँ, सौरे तो आने नुकसान कर लेते हैं। इधर ला, अय्यूब भाई क्या बोलेंगे कान के, क्वालिटी है अजिम का शौक है। गाजी माशाल्लाह बहुत नाम किया, नाम के हिसाब से काम भी है। सही है, अभी क्या है और क्या हुआ ये बारिश में थोड़ा बकरे गर्म हुए हैं, गर्म से थोड़ा वजन थोड़ा है, महीना है,
है लेकिन बावीस 9 प्लस है, 9:30 के करीब करीब है। चकला नंबर 1 है इसके। मेरे पास इसके पार्ट है, बहुत माशाल्लाह है। क्या बात। आने वाले फ्यूचर में इंडिया तो बहुत टॉप पे जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो हिसाब से काम हो रहा है। बहुत प्यारा काम है सब। फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में तो सब भाइयों की दुआ है, अपने हैदराबाद के भाइयों की, बेंगलोर वालों की भी दुआ है। बहुत बड़ा सपोर्ट है हमेशा सक्सेस। और भाई जी दुआ है भाई। हां आपके पास जो है ना कान क्वालिटी मिलती है हमारे को देखने में, माशाल्लाह से गुलाबी क्वालिटी जो है ना अच्छे अच्छे अब्दुल्ला छुप जा रहे हैं कान के पीछे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे अब्दुल्ला के, उनके बाबा भी छुप जाएंगे कान के पीछे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ये? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। क्या बात। ये आयु भाई मेरे हिसाब से बादशाह का पोतरा है, अफगान का बेटा है। तो बादशाह का पोतरा हुआ ना जो अपने हैदराबाद का, उसका शॉट था आरिफ भाई के चैनल पे, मैं कमेंट किया। बादशाह का भी बहुत जबरदस्त, और सेम देने चेहरा सेम है, दिखने में दोनों सेम दिखते। चलेगा एक बार भी है ना हमारे पास बादशाह के। हाँ है तो बहुत अच्छे अच्छे। अजीम भाई एक बार है ना आपका नंबर दे दें लोगों को। मेरा कॉलिंग नंबर है आसिम भाई 8208083298, व्हाट्सएप नंबर है 9689814139। और ये इनका जो काम है ब्रीडिंग सेटअप वगैरह ये तो साल भर का है। हाँ। किसी को भी लेना हो तो इनसे कांटेक्ट करें। और आपने सिलेज जो होता है फीड वो होलसेल में काम कर रहे हैं आप? काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद में भी आपका एक स्टेशन बनाया आपने? हाँ बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अवेलेबल हो गया अपने सद्दाम भाई के पास, टोली चौकी सद्दाम भाई के पास। 2 दिन पहले 6 टन माल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जोगी पेट भाई ने भी लिए अपने हुसैन भाई के पास लिए, और हुसैन भाई को पूछो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका और बहुत अच्छा खा रहा है। देखो जगह पर अगर आप होलसेल लेंगे जगह पर, मैं यहाँ पर होलसेल आपको 10 रुपए से दूंगा, 10 रुपए विदाउट ट्रांसपोर्टेशन जगह पर दाना रहेगा, दाना और चारा दोनों। हाँ और इंशाल्लाह मैं थोड़ा दिखाता हूँ लाइव, सिंपल निकाल दूंगा थोड़ा और ये आसिम भाई थोड़ा दो एक मिनट लूंगा, इससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जो शैलेज का जो बनाने का मेरा मकसद था, अभी हमारे यहाँ पर हो या तो हैदराबाद में हो, पत्ते के लिए बहुत ज्यादा टाइम का वेस्ट होता था, ट्रैवलिंग का वेस्ट होता था, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, और हमें मुझे भी 11 किलोमीटर जाकर पत्ता लाना पड़ता था। तो यही तकलीफ से परेशान होकर हमारे यहाँ पर मक्के का ही आता है, उसको गाड़ी पर लाना भी बहुत दिक्कत होती थी और महंगा भी और रिस्क भी। तो मैं ये इसका मेरा ये जो फीड है ये मैं मतलब अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, तकरीबन 15-20 साल से यहाँ पर के जो बड़े बड़े फार्म है भोर के, आप मोरे फार्म में जाओ आपको शैलेज मिलेगा, निमकर के पास जाओ शैलेज मिलेगा, फिर आप जगताप के पास जाओ शैलेज मिलेगा। इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट लक्ष्मण टकले गोट फार्म जो इम्पोर्टेड ब्रीड लाइन में काम करता है भोर के, वो पूरा 100% शैलेज पर है। और इसका एक बेनिफिट ये है, ये जब ग्रीन कंडीशन में जब भुट्टा इसका निकलता है तो इसको अपन कुट्टी करते हैं, क्रश करते हैं, क्रश कर आसिम भाई इसको एयरटाइट बैग में पूरा एयरटाइट में सील करते हैं, मिनरल मिक्सचर ऐड कर और 21 दिन तक प्रोसेस के लिए रखते हैं इसको। एयरटाइट में रखने की वजह से पूरे बैक्टीरिया इसमें खत्म हो जाते हैं और 21 दिन के बाद ये चारा थोड़ा पक जाता है, जिसके वजह से डाइजेशन के लिए ईजी हो जाता है। और कैटल में भी ये यूज करते हैं आसिम भाई? तो ये इसका फायदा ये है कि इसमें कैल्शियम प्रोटीन अमाइनो एसिड और अदर, जो कोई भी बकरी हो अगर उसको शुरू करे तो दूध बढ़ जाएगा, ये मेरा गारंटी। और बस सूट होना, सूट नहीं, सूट तो हर किसी को होता है, नई बकरी भी खा ले, नई बकरी खा लेती है जिसको नहीं पता खा लेती, क्योंकि उसकी स्मेल जो है आसिम भाई आपको दिखाता हूँ पूरी मीठी गुड़ की जैसी स्मेल है उसकी जी, जिसके वजह से जानवर उठा लेता। और दूसरी बात ये है जानवर जो मेरा बकरीद का जो जानवर आया था फर्स्ट टाइम सोलापुर में, पूरे जानवर उसी पर रखा मैं शैलेज पर, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ने तो मेरे 25-30 जानवर और 50 जानवर बीमार होते थे क्लाइमेट चेंज की वजह से, बारिश की वजह से 7 दिन बारिश थी बकरीद में, शैलेज पे रखा पानी जानवर को दिया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बकरा मेरा बीमार नहीं हुआ। आप एजाज भाई इस साल अपने जो कुर्बानी का आप सेटअप देखे मेरा, हमारे एजाज भाई अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर के सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस में, अल्हम्दुलिल्लाह अपना शैलेज का इस साल कुर्बानी का जानवर आप देखे मेरा कैसा रिजल्ट रहा, एक भी बकरा पेशेंट नहीं मिला मैंने, एक भी नहीं मिला। मैं तो हर साल 50 से 60 बकरे मेरे बीमार रहते थे। ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अजीम भाई का फायदा हुआ है, डॉक्टर साहब का नुकसान हो गया। लोग परेशान है ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। नहीं सही है, आता पाकिस्तान
मेरे को भी खुशी है कि लोग परेशान भी ये एक ऐसे इंसान है जो परेशानी में लोग इनको याद करते हैं। नहीं अल्लाह अच्छा रखे आपको भी, आपके वजह से काफी जानवर सही हुए, आपका जरिया बनाया। बहुत क्रिटिकल केसेस सॉल्व किए इज्जत में, बहुत क्रिटिकल। मेरे नामचीन डॉक्टर है माशाल्लाह, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने शिफा दी इतना मैं बोलूंगा। सही, मेरे दो पार्ट थी जो समझो 100% डेड ऐसी कंडीशन में थी, तीन तीन महीने के पट का वजन 6-7 किलो था। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल आउट हो गए। उसमें के एक पट हमारे फॉक की बेटी इनको दिया हूँ, और शेर खान की बहन भी इनको, दोनों कैसी कंडीशन में अभी हो माशाल्लाह। एक दो महीने पहले 6 किलो वेट था उनका हुसैन भाई। और एक बात क्या है आसिम भाई, डॉक्टर तो हर कोई बन जाता, छपा होना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी सही। तो आसिम भाई जरा आप सिंपल बता दिए क्योंकि लाए। So, ये जो बड़ा बैग आता है क्या वजन का आता है आसिम भाई? ये 50 किलो का आता है। समझो मेरे को इतना यूज करना है तो फिर इसको मेरे को टाइट एयर करके ही बंद करना पड़ेगा कि ऐसे नॉर्मल ट्री बंद कर सकते? नहीं नहीं, इसको इसको एयर टाइट बंद करना है। इसमें ऐसे मक्के के दो, ये मक्के के सीड्स आएंगे, इसमें मक्का भी आ जाएगा साथ, क्योंकि पूरा भुट्टे के साथ इसको क्रश करते हैं। ये भुट्टे का ही पीस है देखो। और जानवर खाने के तालुक से अगर आपको चाहिए तो वो भी लाइव दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से दे, होलसेल। देख सकते हैं आप जानवर एकदम शौक से खा रहे हैं, छोटे हो बड़े हो अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का पूरा दाना है। अरे ऐसी चीज है सब खा रहे माशाल्लाह। अरे मीठे वो, अरे करने का भी रहा? नहीं 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 नहीं, वो 21 दिन पैक, बहुत फास्ट खाते जानवर। बल्कि खाने के लिए तड़प भी है अजी। वो 21 दिन पैक रहे, मीठा हो जाता है, और स्वीट कॉर्न मक्का जो होता है ना मीठा बूटा, उसका ही है खाना। खाना मीठा है वो। हाँ यो अल्लाह के फजल से सब बच्चे हो जो हो अदो बस खा लेते एकदम। बहुत अच्छी, अच्छा रिजल्ट है इसका। और मक्का है जेम्स बॉन्ड दूसरे पास है, अपने यहाँ के पास आते हैं और अंदर खून के साथ। हाँ यहाँ शोलापुर में।